हूँ गजाल अंसारी और आप देख रहे हैं आज तक भारत। दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, पश्चिम बंगाल, हर शहर हर राज्य में ईडी लगातार रेड मार रही है। पश्चिम बंगाल में ईडी राशन घोटाला मामले में लगातार रेड कर रही है। इस बीच शुक्रवार को भी ईडी की टीम छापेमारी करने पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना पहुंची। ईडी के साथ सुरक्षा बल के जवान भी थे, लेकिन जब तक की ईडी कार्रवाई करती तब तक उसे पहले ही 200 लोगों की भीड़ ने ईडी की टीम पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में ईडी के कई अधिकारी घायल हो गए। इतना ही नहीं, 200 लोगों की भीड़ ने ईडी की गाड़ियों के शीशे तक तोड़ दिए। वहीं इस मामले में ईडी ने कहा कि 800 से 1000 लोगों की भीड़ मारने के इरादे से अधिकारियों की तरफ बढ़ी। ईडी ने बताया कि भीड़ के पास लाठियां, पत्थर, ईंटें जैसे हथियार थे। ईडी अधिकारियों पर हमले से पूरे बंगाल में बवाल मच गया है। बीजेपी ने रोहिंग्या मुसलमानों के शामिल होने का आरोप लगाते हुए NIA जांच की मांग की है, लेकिन आखिर ये शाहजहां शेख कौन है? आरोप है कि इनके इशारे पर ईडी अधिकारियों पर हमला हुआ है। ये सवाल उठ रहा है कि शाहजहां शेख कौन है जिसके समर्थकों ने सुबह 7 बजे इतने लोग इकट्ठा हो गए और केंद्रीय सुरक्षा बलों की मौजूदगी में ईडी अधिकारियों पर हमला बोला। शाहजहां शेख के बारे में बताया जाता है कि वो TMC का नेता है और फिलहाल जिला परिषद का पदाधिकारी भी है। इससे पहले वो नगर पालिका के चेयरमैन पद पर था। कहा जाता है कि शाहजहां शेख का इलाके में काफी दबदबा है और उसके इशारे के बिना संदेश खाली में एक पत्ता भी नहीं हिलता है। उसे स्थानीय लोग बेताज बादशाह कहते हैं। हालांकि वो पहले TMC में नहीं था। इलाके के निवासी का कहना है कि वो कभी CPM के समर्थक था, लेकिन साल 2011 में जब सत्ता बदली तो उसने माकपा का साथ छोड़ दिया और TMC का समर्थक बन गया। आरोप है कि TMC सरकार आने के बाद वो ममता बैनर्जी की टीम में आ गया। तब से शाहजहां शेख ने जिले में मछली फार्मों पर अपना काबू कर लिया और अपना शासन स्थापित कर लिया। TMC में शामिल होने के बाद से लगातार उसकी ताकत बढ़ती जा रही है। बहुत से लोग शाहजहां शेख को राज्य के पूर्व खाद्य मंत्री ज्योति प्रिया मलिक के करीबी मानते हैं। राशन घोटाला मामले में ज्योति प्रिया मलिक फिलहाल जेल की सलाखों के पीछे है। ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था। संदेश खाली में कई भेड़ बकरियों और ईंट भट्टों का मालिक ये शाहजहां वास्तव में इलाके का नवाब है। पिछले पंचायत चुनाव के दौरान शुभेंदु अधिकारी ने उनकी संपत्ति को लेकर सवाल उठाए थे। विपक्षी दल के नेता ने दावा किया था कि शाहजहां ने हलफनामे में ये नहीं बताया कि उनके पास असल में कितनी संपत्ति है। शुभेंदु अधिकारी ने ये भी दावा किया था कि उनके पास एक शॉपिंग मॉल है, पार्क सर्कस में उनका करोड़ों रुपए का घर है। शाहजहां का जन्म बेहद गरीब परिवार में हुआ, उनका बचपन गरीबी से ही गुजरा, लेकिन धीरे धीरे वो बड़े नेताओं के कॉन्टेक्ट में आकर संदेश खाली में एक बड़ी ताकत बन गया। आपको बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब जांच अधिकारी किसी के घर पर छापा मारने गए हो और उन पर हमला हुआ हो। इससे पहले भी उसके इलाके में पुलिस पर हमला हो चुका है, इसलिए प्रशासन के लिए कुछ भी अनजान नहीं है। लेकिन शाहजहां का इससे कोई लेना देना नहीं था। आरोप है कि शाहजहां शेख को पार्टी के आला नेतृत्व की परवाह नहीं है। संदेश खाली के कई बाहुबली नेता के हाथों में वोट बैंक है। ये इलाका अल्पसंख्यक बहुल है और शाहजहां शेख को उन पर बड़ा प्रभाव है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। दोस्तों, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।